नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो स्प्लिट एसी होता है, विंडो एसी होता है, उसमें कुछ जो फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट के बारे में, क्या चीज़ जो आप कस्टमर के पास जाते हैं या फिर कस्टमर आपको क्यों बुलाएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तब जाकर बुलाता है या फिर सर्विस करने के लिए बुलाता है ना। तो आपको इस वीडियो हम लोग यही बात करेंगे जो कस्टमर है आपको क्यों बुलाएगा, उसमें यानी कि जो फॉल्ट होता है, कुछ फॉल्ट आता है उसी लिए वो आपको बुलाता है। तो इसी में जो आने वाला क्या क्या प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से आपको कस्टमर बुलाता है, तो जो जो एसी में आने वाला फॉल्ट है उस सारा फॉल्ट के बारे में आप लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर बारी बारी इसका वीडियो बाय वीडियो यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो उसका बनाते जाएंगे। जो भी फॉल्ट अभी लिखवाएंगे उसका अलग अलग एक वीडियो सेपरेट आपको देते जाएंगे। इसमें जितना भी फॉल्ट होता है सारा फॉल्ट आपको अभी इस वीडियो में आपको बतलाएंगे। जो सबसे पहला जो फॉल्ट आपको एसी में आने वाला, स्प्लिट रहे चाहे विंडो रहे चाहे कोई भी एसी रहे या फिर कोई भी पावर सप्लाई वाला बात रहे, उसमें सबसे पहला जो फॉल्ट आता है क्या चाहता है, मैंने कोई एसी है उसको चल नहीं रहा है ना, ऑन कर रहा है और मैं क्या चाहिए ऑन हो नहीं रहा, उसमें क्या चाहिए होगा, तो वो चीज फॉल्ट आपको समझ यानी कि क्या चाहिए होगा, नॉट वर्किंग है ना एसी, एसी नॉट वर्किंग आ जाएगा प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उसमें क्या चाहिए होता है कि एसी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, एसी नॉट वर्किंग यानी कि बिल्कुल मेरा क्या चाहिए एसी ऑफ है, उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम आएगा वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। अब इसी इस संबंधित क्या क्या चीज़ चेक करना ये आपको अगला वीडियो में नहीं, इसका एक सेपरेट एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे। फिर दूसरा जो आपको आने वाला फॉल्ट है, दूसरा फॉल्ट रहेगा आपको नो कूलिंग है कि नहीं, उसमें मतलब कि जैसे कि एक एसी चल रहा बाकी बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा, एसी मेरा चल रहा बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा, एक होता है एसी चल रहा ठंडा भी कर रहा मगर कम ठंडा कर रहा, और लेस कूलिंग हो जाता है ना, नो कूलिंग। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरा, लेस कूलिंग, ये चीज मेरा फॉल्ट हो जाएगा। अब अगला जो फॉल्ट होगा मेरा क्या चीज हो जाएगा, ट्रिपिंग प्रॉब्लम यानी कि एसी नॉट वर्किंग और नो कूलिंग, लेस कूलिंग, ट्रिपिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसी में जो फिर आपका अगला फॉल्ट रहेगा, ठीक है, पांच नंबर में वाटर लीकेज, तो फॉल्ट आपका ढेर सारा होता है, उसमें क्या चाहिए आपको मेन जो है आपको मेन में जो कस्टमर आपको फॉल्ट बतलाता है उस फॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप चेक करेगा तो आपको 50 तरीके से फॉल्ट निकालेगा किस कारण से क्या प्रॉब्लम होता, बाकी यहाँ पर जो फॉल्ट आपको लिख रहे हैं कस्टमर आपको बोलेगा ये फॉल्ट यानी एक बोलेगा कम ठंडा कर, जैसे इसमें जितना भी लिखे हैं ये नहीं बोलेगा एसी बिल्कुल चल नहीं रहा यानी ऑन नहीं हो रहा, और क्या बोलेगा नो कूलिंग यानी ठंडा बिल्कुल नहीं कर रहा, एक बोलेगा कम ठंडा कर रहा, एक बोलेगा एसी बंद चालू हो रहा, वो मेरा ट्रिपिंग प्रॉब्लम हो गया, एक क्या हुआ वाटर लीकेज यानी कि एसी के अंदर से यानी कि रूम के अंदर ही पानी गिर रहा, ये सब क्या हो गया वाटर लीकेज प्रॉब्लम हो गया। छठा फॉल्ट रहेगा आपका यानी कि आउटडोर ऑन होते ही एमसीबी गिर जाना है कि नहीं, एक होता है कि इंडोर चल रहा या फिर एसी में लाइन देते ही एमसीबी गिर जा रहा या फिर आउटडोर ऑन होते ही एमसीबी गिर जा रहा, 99% चांस में यही रहता है कि आउटडोर ऑन जब होता है उस समय मेरा क्या चाहते हैं एमसीबी गिर जाता, आउटडोर ऑन आउटडोर ऑन होते ही एमसीबी का गिरना है ना। अब उसी में फिर जाएगा आइस प्रॉब्लम है कि नहीं, एक तो ये फॉल्ट हो गया पार्टे ये बोले यानी कि जब लाइन देते हैं और 2-3 मिनट चलता है उसके बाद क्या देते हैं एमसीबी गिर जाए यानी कि जब आउटडोर सप्लाई छोड़ता है तब जाकर एमसीबी गिर जा रहा है, ये चीज़ आपको बतलाएगा फॉल्ट। तो आप जाके चेक क्या क्या करना है इस सब का एक अलग अलग वीडियो बनाएं, तो आपको क्या क्या फॉल्ट आता है पहले आप लोग भी सोच लीजिएगा, बाकी इसमें आपको पूरा वीडियो हम जो बतला रहे हैं आप इसमें आपको ये चीज़ सोच लीजिएगा। अब अगला फॉल्ट है आइस का जमना यानी कि कूलिंग कॉइल पर, कूलिंग कॉइल पर आइस का जमना, और क्या रहेगा मेरा आठवां फॉल्ट, डिस्चार्ज पाइप पे आइस का जमना, डिस्चार्ज पाइप पे आइस का जमना, और के बाद सेक्शन पाइप पे,
सेक्शन पाइप पे आइस की जमना और जो इसमें फॉल्ट आपका आएगा दोनों पे। हाँ ये चीज़ तो एक तो मेरा ये जो लिखे है कूलिंग कॉइल पर आइस की जमना है कि नहीं, सिर्फ इंडोर में आइस जम रहा। बहुत कस्टमर या बहुत बार यही बोलेगा, या फिर बहुत बार कस्टमर क्या बोलता है बाहर देखता है बालकोनी में आउटडोर लगा हुआ था डिस्चार्ज यानी पतला पाइप आइस जम रहा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको डिस्चार्ज पाइप। अब क्यों बोलते हैं वो भी आगे बतलाएंगे। डिस्चार्ज पाइप आइस जम रहा, आपको बोलेगा मोटा पला पाइप आइस जम रहा, इस तरह से बोलेगा, या फिर ये बोलेगा दोनों पाइप आइस जम रहा। चलिए वो भी फॉल्ट लिख दे रहे हैं, यानी कि सेक्शन और डिस्चार्ज, यानी सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप डिस्चार्ज पाइप पर आइस का जमना। क्लियर है? अगला जो फॉल्ट रहेगा आपका डिस्प्ले पे इनर। हाँ डिस्प्ले पर इरर आना, और बारह नंबर जगह इराई डिस्प्ले हो गया जैसे एक तो नॉइज प्रॉब्लम। हाँ नॉइज प्रॉब्लम यानी कि ये क्या जगह ये सारा फॉल्ट है। कस्टमर बोले देखें एसी ऑन करते हैं डिस्प्ले पे इरर आ जा रहा, कुछ दिखला रहा शो कर रहा, कुछ अंक शो कर रहा, कुछ डी या फिर ए टू ए थ्री कुछ भी इस टाइम में इरर शो कर रहा। एक तो हो गया एक तो नॉइज प्रॉब्लम, देखें एसी चल रहा ठंडा भी कर रहा मगर आवाज़ कर रहा, ये आपको कस्टमर बोलेगा। या फिर ये बोलेगा देखें ना वो पे सेक्शन और डिस्चार्ज नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा दोनों पाइप पे जो आउटडोर के दोनों पाइप होता है दोनों पाइप पर आइस जम रहा, इस टाइम में बोलेगा। यानी ये सब कस्टमर आपको फॉल्ट बतलाएगा और इसका फॉल्ट जाकर आप क्या करना दूर करना। तो सारा वीडियो आपको बारह बाईस आपको बतलाया जाएगा क्या चाहिए वाला फॉल्ट। हाँ एक हो जाता जरूरत से ज़्यादा ठंडा, एक कितना बारह चलिए तेरह नंबर, जरूरत से अधिक ठंडा करना, ठीक है। चौदह नंबर जो फॉल्ट रहेगा आपको हाँ रिमोट नॉट वर्किंग, और क्या रहेगा पंद्रह नंबर में स्विंग के लिए जो है स्विंग मोटर का काम नहीं करना, ठीक है। सोलह नंबर जो फॉल्ट रहेगा मेरा एसी रात के समय सही चलता है, रात के समय मेरा सही चलता है लेकिन दिन में सही लेकिन दिन में सही नहीं चलता। इसका मतलब कि आप क्या समझे, यानी कि जो 14 15 16 फॉल्ट बतलाएं, चलिए टोटल में कितना है 16 फॉल्ट। अगर और भी अगर छोटा छोटा फॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर 50 60 70 80 फॉल्ट भी हो जाएगा, ढेर सारा फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप उसको रिपेयर जब करिए तो रिपेयर करने यानी एक एक फॉल्ट में कम से कम 10-10 क्वेश्चन है, एक एक फॉल्ट में 10-10 क्वेश्चन है। जैसे कि नॉर्मल मान लीजिए ट्रिपिंग प्रॉब्लम, तो ट्रिपिंग प्रॉब्लम किस किस कारण से आ सकता उसका भी 10 कारण, वाटर लीकेज किस किस कारण से आ सकता उसका भी 10 कारण है कि नहीं। जैसे नो कूलिंग नहीं ठंडा करने क्या कारण हो सकता, आइस जमने क्या कारण हो सकता, तो उस कारण का बात करिएगा तो कम से कम सबका 5-10 कारण आपको मिल जाएगा, यानी 100-150 आपको उसी में फॉल्ट फाइंडिंग निकल जाएगा, है कि नहीं। तो नॉर्मली जो फॉल्ट जो कस्टमर आपसे बोलता है ये सारा फॉल्ट आपको इसमें बतलाए हैं, जिसमें आप कस्टमर यही से ना बोलेगा कूलिंग नहीं कर रहा, आइस जम रहा, आवाज़ कर रहा, कम ठंडा कर रहा, ज़्यादा ठंडा कर रहा है कि नहीं, रिमोट काम नहीं कर रहा, ये सारा फॉल्ट आपको कस्टमर बोलता है। तो इस तरीके से जो फॉल्ट आएगा उसको किस तरीके से दूर करना है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉल्ट बाय फॉल्ट आपको बतलाते जाएंगे, ठीक है। कर दीजिए।